नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे पहले मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आज बात करने वाला हूं कि यूट्यूब से ही रिलेटेड बातें हैं, ताकि मतलब आप लोग को समझ में आए, और कोई यूट्यूबर नया जो स्टार्टिंग करता है यूट्यूब, तो किन किन बातों पर और कौन कौन से बातों ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपके यदि कभी भी आप पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आते हैं, तो ये मोटिव मेन मोटिव छोड़ दीजिए। आपका पैसन है तो आप बिल्कुल कीजिए, और रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहिए। सबसे पहला रीज़न है कि आप स्टार्टिंग में पैसे न देखिए, अर्निंग से रिलेटेड न देखिए। किसी को यूट्यूब के चैनल के बारे में देखते हैं इतना अर्निंग, तो आप किसी को किसी को देखते हैं कि यूट्यूब से इतना कमा रहा है, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उसको देखा देखी ना करें। आपका जो फैशन है, आप क्या करना चाहते हैं यूट्यूब पे, किसी को अच्छी बातों बताना चाहते हैं। मैंने भी ये सब अचीव करके मतलब सीखा हूँ, एक दूसरे से सीखता हूँ, और जो भी मेरे पास नॉलेज होता है मैं आप लोग के लिए ही शेयर करता रहता हूँ। मगर बताना चाहता हूँ कि आप भी किसी के देखा देखी पर यूट्यूब पे ना आए, और कोई भी मतलब कोई काम करे ऐसा कि लगना चाहिए कि आपको एक मतलब मान लीजिए कि 3 महीना 4 महीना आप वीडियो अपलोड किए, उसके बाद में आप छोड़ देते हैं यूट्यूब। देखिए, छोड़ने का यही रीजन है कि मतलब आपके इच्छा नहीं था, आपने बल जबरदस्ती जाके मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उस पर वीडियो अपलोड किया, उसके बाद में छोड़ दिया। देखिए, यूट्यूब आपका छोड़ना नहीं है, पार्ट टाइम छोड़ना नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि 10th में है 12th में है, और भी मतलब कॉलेज में है, स्कूल में है, जो भी स्टूडेंट है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसको पार्ट टाइम आप कीजिए। ये नहीं सीरियस होके कि मुझे यूट्यूब करना है। देखिए, यूट्यूब करने के लिए सबसे मेन मोटिव होता है कि पार्ट टाइम आप उस पर टाइम दीजिए। देखिए, सक्सेस हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं सक्सेस हुआ तो सोच लीजिएगा कि मेरा यूट्यूब में मेरे को सक्सेस नहीं मिला तो मैं ये हो गया। मोटिवेट नहीं होना है, कोई दूसरे काम के लिए आपको बना है। मगर जब तक आप स्टार्टिंग करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस रख लीजिए कि मुझे क्या काम करना है। देखिए, पार्ट टाइम की तरह आप यूट्यूब कीजिए, सक्सेस नहीं मिले तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ही करें। कुछ ऐसा करें कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर का जो दिल की बातें हैं, वो मतलब वो जो जो बोलता है वही करना चाहिए, ना कि आप बल जबरदस्ती यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिए, बना लिए, 150 वीडियो अपलोड किए, उसके बाद में छोड़ दिए। देखिए, व्यूज नहीं मैटर करता है, सब्सक्राइबर कोई मैटर नहीं करता है। आपका वॉच टाइम पूरे या ना पूरे, आपका यदि फैशन है तो आप कंटिन्यू कीजिए, आपको सफलता मिलेगा, और ऐसे ही आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। मगर शुरुआती दौर में आप किसी को देख के ना आए कि मुझे अर्निंग से रिलेटेड जो पैसा इतना कमाता है, ये यूट्यूबर इतना कमाता है। देखिए, एक दूसरे का दिखाओ मतलब दिखावा मत कीजिए। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना यूट्यूब कीजिए और आपको सक्सेस मिलेगा। पहले सब्सक्राइबर नहीं देखना है, व्यूज नहीं देखना है, आप उस काम को कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, मैंने भी वीडियो बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब, जो पहले होता था 20-25-50 अपलोड करता था वीडियो पे, तो आपको चैनल ग्रो कर जाता था। देख रहा हूँ मैं बहुत सारे दिनों से मैं वीडियो पोस्ट तो कर रहा हूँ, मगर मेरे जो भी मतलब इतना थंबनेल अट्रैक्टिव भी नहीं बना पाता हूँ, और जो भी वॉइस से मतलब बोलने का कम्युनिकेट होता है कि मैं उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए। मगर जब तक मेरे को देखिए, मैं पार्ट टाइम करता हूँ, फ्री टाइम में ही यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ, ना कि उस टाइम मतलब ये नहीं कि उस काम को छोड़ के मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं, कोई काम नहीं छोड़ता हूँ। पार्ट टाइम के ही तरह वीडियो करता हूँ। मुझे सक्सेस मिले या ना मिले, मुझे बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मैं कोई कंपनी में जाऊँ तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे लायक काम है। तो ऐसा ही मतलब इसलिए कोर्सेज करते रहता हूँ, कुछ सीखने का कोर्सेज करता हूँ। देखने सीखने वाला ही आगे बढ़ता है, जो आदमी छोड़ देता है वो नहीं आगे बढ़ पाता है। आप कोई भी काम को छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम के तरह आप यूट्यूब बनाइए। सबसे पहले आपके पॉकेट में भी आप ये नहीं सोचिए कि DSLR होगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास जो भी है, आपके सभी आदमी के पॉकेट में ही
रहता है, वो कैमरा, वो मोबाइल, वो हर चीज़ रहता है। आप उससे शूट करने का प्रयास करें, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करें, और जितना कॉन्फिडेंस आएगा आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आपका फेस कोई नहीं पसंद कर रहा, उतना अच्छा अट्रैक्टिव भी नहीं हूँ जो मेरे को लाइक करेगा डिसलाइक करेगा, मैं जानता हूँ, मगर तभी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, मगर सोचते रहता हूँ कि मैं कैसे बोलूँगा कैसे, ये मतलब ये सब कोई मैटर नहीं करता। आप अपना अंदर का कॉन्फिडेंस बनाए। देखिए, मेरे वीडियो पे व्यूज आए ना आए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मुझे उससे रिलेटेड कुछ सीखना है। अब बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि लगभग मैं पहले इतना जल्दी नहीं बोल पाता था और रुक रुक जाता था, मगर तब भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो मैं ऐसे ही सुझाव देता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।